हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारे रुचि इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करें। हमारे साथ में एक एलमेसर कंपनी का चेंज ओवर टाइप ATS पैनल है, जिसका मैं पूरा वायरिंग टेस्टिंग कैसे वर्क करता है, ये किसके लिए यूज करते हैं, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे साथ में चेंज ओवर टाइप ATS पैनल है। ये हम लोग किधर यूज करते हैं, इसका फर्स्ट हम लोग बेसिक जानकारी सीख लेंगे। ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच, ATS का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच होता है। इसमें हम लोग दो सप्लाई यूज कर सकते हैं, मेन सप्लाई और जनरेटर का या UPS का सप्लाई यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा मेन सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई फेल हो गया, उस टाइम में हमारा ऑटोमेटिक जनरेटर का सप्लाई ऑन हो जाएगा, और फिर भी मेन सप्लाई रिटर्न आएगा तो जनरेटर को बंद कर देगा और मेन सप्लाई ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक वर्क करता रहता है। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग मेन को रखते हैं, क्योंकि हमको मेन फुल टाइम ऑन रखना है। जनरेटर हमारा इमरजेंसी केस के लिए, UPS भी इमरजेंसी केस के लिए रहता है। चलो फिर हम आगे वायरिंग, इसका कंट्रोल वायरिंग और टेस्टिंग देख लेते हैं कैसे करते हैं। ये चेंज ओवर के अंदर फर्स्ट हम लोग पावर वायरिंग देख लेंगे। हमारा मेन सप्लाई है RYB न्यूट्रल, सेकंड हमारा जनरेटर सप्लाई है, आप चाहे तो UPS भी यूज कर सकते हैं। इधर से मेन सप्लाई लेके हम लोग इस चेंज ओवर के ऊपर के साइड में देंगे, ये मेन सप्लाई RYB और न्यूट्रल, और एक एक 1.5 का कंट्रोल वायर भी लेंगे साथ में। और नीचे की तरफ जो है हमारा ये जनरेटर का सप्लाई है, आप चाहे तो UPS का भी सप्लाई ले सकते हैं 3-phase RYB और न्यूट्रल। और इधर टॉप की साइड में हमारा लोड का है RYB और न्यूट्रल, इधर से आप लोड यूज कर सकते हैं। अगर आप घर के लिए यूज कर रहे हैं चेंज ओवर छोटा लोड के लिए, तो आप घर के लिए भी यूज कर सकते हैं इधर से लोड। पूरा तीन टर्मिनल है हमारे साथ में, तीन सेट है, एक मेन का जनरेटर एक लोड का। ये हमारा स्विच है, हैंड ऑफ ऑटो का सिलेक्शन स्विच है। ये हमारा रोटर है, कौन सा पोजिशन में हमारा ये चेंज ओवर वर्क कर रहा है वो आपको मालूम पड़ने के लिए ऑटोमेटिक रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है। अभी हम इसको ऑटो मोड में सिलेक्शन कर लेते हैं स्विच के, अपना चाबी के थ्रू ऑटो मोड में मैंने सिलेक्शन कर दिया। अभी हम मेन सप्लाई ऑन कर रहे हैं, इसको मेन सप्लाई हमारा ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक रोटेट हो, मेन सप्लाई अवेलेबल है। आप इंडिकेशन देख सकते हैं, ग्रीन इंडिकेशन इस चेंज ओवर के ऊपर। अभी हमारा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ऑन हो चुका मेन सप्लाई हमारा। अभी मेन सप्लाई हम ऑफ कर रहे हैं, सपोज मेन सप्लाई ऑफ करने के बाद में हमारा जनरेटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जनरेटर का सिग्नल चला गया, जनरेटर ऑलरेडी ऑन है हमारा, तो जनरेटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो। मेन सप्लाई ऑफ होने के बाद में जनरेटर का कमांड चला गया, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे ब्लिंक हो रहा है, ग्रीन सिग्नल ब्लिंक होने के बाद में हमारा जनरेटर ऑन हो जाएगा। देखिए नोब घूम चुका है और हमारा जनरेटर स्टार्ट हो चुका है, ग्रीन सिग्नल स्टॉप हो गया, हमारा जनरेटर स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर, चेंज ओवर के ऊपर जो ग्रीन सिग्नल है। फिर रिटर्न हमने मेन सप्लाई दिया, मेन सप्लाई देने के टाइम क्या होगा, आपका जनरेटर का सप्लाई ऑफ कर दिया, क्योंकि मेन प्रायोरिटी हमको मेन का दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसके लिए हम लोग मेन सप्लाई फिर रिटर्न आएगा तो जनरेटर को ऑफ कर देगा। देखिए ऑफ हो गया, जनरेटर को ऑफ करके फिर हमारा मेन सप्लाई ऑन हो जाएगा। इस ATS पैनल का चेंज ओवर के यही फायदा रहता है कि मान लीजिए दो सप्लाई फर्स्ट टाइम कभी भी अवेलेबल रहेगा तो फर्स्ट सप्लाई हमको, फर्स्ट प्रायोरिटी हमको मेन सप्लाई का मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का मिलता है, और सेकंड हमारा जनरेटर या UPS का। मेन फेल होने के बाद में जनरेटर या UPS ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, इसका हम लोग यही फायदा होता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ही चलता रहता है। मेन जाएगा तो जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, जनरेटर अभी फिर भी मेन आएगा तो जनरेटर को बंद करके मेन स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो थोड़ा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इलेक्ट्रिक रिलेटेड नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।